नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कमेंट्स वाली सीरीज ये चल रही है, काफी लोग अपने डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, तो आप लोग भी पीछे मत रहिए। जिसके मन में कोई भी डाउट हो किसी भी SIP प्लान को लेकर, कमेंट मुझे कर सकता है, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा और वीडियो के माध्यम से मिलेगा। बस एक चीज ठान लीजिए कि 2024 से हमें इन्वेस्टमेंट अपना शुरू करना है तो करना है। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में जो कमेंट मैंने पिक किया है, आज का जो टॉपिक होने वाला है, कमेंट किया है भरत परमार जी ने। इनका कहना है कि सर, आप वैसे तो वीडियोस में बोलते हो कि कमेंट कीजिए मैं रिप्लाई करूंगा, लेकिन मेरे कमेंट का रिप्लाई आप पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं। नहीं भरत जी, ऐसी बात नहीं है कि मैं स्पेशली आपका रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ। आज की वीडियो में आज का कमेंट आपका कमेंट पिक कर लिया है। इनका कहना है कि सर, एक्सिस स्मॉल कैप के ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए, मुझे एक डिटेल वीडियो आप बनाइए कि कैसा वो फंड है, एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तो भरत जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल इन्वेस्ट राइट पर। मैं सभी व्यूवर्स की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। बात करते हैं आज के कमेंट की। आपका जो कमेंट मैंने पिक किया है, आपको जो डिटेल वीडियो चाहिए वो चाहिए एक्सिस स्मॉल कैप के ऊपर। तो दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक एक चीज यहां मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो टॉपिक है एक्सिस स्मॉल कैप, कैसा ये फंड है, इसके बारे में आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे। फिर इसमें एक SIP हम लोग इन्वेस्ट करके देखेंगे। एक एग्जांपल के लिए 2000 या 3000 रुपए महीने के अगर हम लॉन्ग टाइम तक इस फंड में इन्वेस्ट पैसे को करते हैं तो कितने रिटर्न्स फ्यूचर में हमें देखने को मिल सकते हैं, वो सब कुछ हम लोग आज की वीडियो में समझेंगे। देखिए दोस्तों, जो लोग स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि स्मॉल कैप फंड्स काफी ज्यादा वोलेटाइल होते हैं। काफी ज्यादा से मतलब है कि सबसे ज्यादा वोलेटाइल जो कोई फंड है वो स्मॉल कैप ही है। जब मार्केट डाउन होती है तो सबसे ज्यादा रिटर्न्स इसी फंड के डाउन होते हैं जो स्मॉल कैप कैटेगरी के। इसलिए अगर आप लोग रिस्क ले सकते हैं, आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, तभी आप स्मॉल कैप में पैसे को इन्वेस्ट करें, नहीं तो फिर आप लोग लार्ज कैप या आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के साथ भी जा सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में समझते हैं एक्सिस स्मॉल कैप का एक डिटेल रिव्यू आज की वीडियो में हम लोग करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि फंड में हमें कितना फंड साइज देखने को मिलता है, मतलब कि कितना पैसा लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। एक्सपेंस रेशियो देखेंगे, कितना हमें यहां पर पे करना पड़ता है। एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा हमारे लिए उतना ही बेटर रहेगा। एक्सपेंस रेशियो के बारे में काफी चीजें मैं वैसे आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं कि एक्सपेंस रेशियो वो खर्चे होते हैं जो हमें म्यूचुअल फंड कंपनी को यानी कि AMC कंपनी को देने होते हैं। एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना ही हमारे लिए बढ़िया रहेगा। और कोशिश करें हमेशा डायरेक्ट प्लान्स में इन्वेस्ट करने, क्योंकि रेगुलर प्लान्स में एक्सपेंस रेशियो आपको हमेशा ज्यादा देखने को मिलता है। चलिए फिलहाल बात करते हैं एक्सिस स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान की। फंड साइज की सबसे पहले बात करूं, 17,916 करोड़ रुपए लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किए हुए हैं। थोड़ा सा डार्क डार्क लिख रहा हूं, एक हमारे चैनल के व्यूअर हैं, उनका कमेंट आया था कि सर थोड़ा देखने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा और डार्क करने की कोशिश कीजिए, तो थोड़ा सा डार्क और लिख रहा हूं। अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बता सकते हैं। और दोस्तों, ये चीजें मैं आप सभी लोगों को कहता हूं कि कोई भी अगर आपका सजेशन हो मेरे चैनल को लेकर तो आप लोग बिल्कुल मुझे कमेंट कीजिए। चलिए एक्सपेंस रेशियो की मैं बात करूं, 0.52% का एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है। काफी सही है एक्सपेंस रेशियो, काफी बढ़िया है। अब आ जाते हैं होल्डिंग्स पर। देखिए होल्डिंग्स से हमें क्लियर होगा कि हम जो पैसा AMC कंपनी को देंगे, म्यूचुअल फंड कंपनी को देंगे, वो हमारे पैसे को आगे कहां इन्वेस्ट करेंगे। ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है होनी, ऐसा ना हो कि हमने इनको पैसे दिए और हमें पता ही ना हो कि हमारा पैसा आखिर इन्वेस्ट कौन से स्टॉक्स में हो रहा है, ताकि हम लोग खुद भी देख सकें कि मैंने जो अपना पैसा AMC कंपनी को दिया था, इन्होंने मेरा पैसा इस स्टॉक में ज्यादा इन्वेस्ट किया था, ये स्टॉक हायर है अभी, लेकिन तभी भी रिटर्न्स मुझे क्यों नहीं मिल रहे। इसलिए ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, अगर यहां मैं बात करूं होल्डिंग्स की, मार्केट कैप के हिसाब से अगर हम होल्डिंग्स को देखें, यहां पर इन्होंने स्मॉल कैप में कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वो हम लोग देखेंगे। स्मॉल कैप में, मिड कैप में और लार्ज कैप में कितना कितना पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। स्मॉल कैप में 69.17%
देखिए स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, मिनिमम 65% पैसा तो स्मॉल कैप स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना है सेबी के नियम के अनुसार। इन्होंने 69% पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, मिड कैप में 16.44%, ज्यादा पैसा इन्होंने स्मॉल और मिड में ही रखा है, यानी कि ये ज्यादा रिस्क लेकर चल रहे हैं। लार्ज में केवल 2.5% पैसा इन्होंने रखा है। लार्ज का मतलब है इंडिया की टॉप 100 कंपनियां, मिड का मतलब है वो कंपनियां जिनकी रैंकिंग 101 से लेकर 250 तक आएगी, और स्मॉल कैप कैटेगरी में वो कंपनियां आएगी जिनकी रैंकिंग 251 से लेकर आगे 500 तक जाती हैं। कुछ इस तरह से आपके पैसे का डाइवर्सिफिकेशन किया जाएगा। यहां तक आपको उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं, चलिए सेक्टर वाइज हम लोग एक बार होल्डिंग्स भी देख लेते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स में इन्होंने पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ है। सबसे ज्यादा इन्होंने फाइनेंस सेक्टर में इन्वेस्ट किया हुआ है, जो कि बहुत बढ़िया है। फाइनेंस सेक्टर हमारा बहुत ग्रोइंग है, आगे अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने 12% से भी ज्यादा पैसा केवल फाइनेंस सेक्टर में ही इन्वेस्ट किया हुआ है, यानी कि बैंकिंग सेक्टर में। तो यहां से रिटर्न हमें पास्ट में भी अच्छे मिले हैं और फ्यूचर में भी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। तो होल्डिंग्स इनकी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, और साथ ही साथ इन्होंने 12% डेट में भी रखा हुआ है पैसा, ये भी काफी बढ़िया चीज इन्होंने है रखी हुई है। देखिए अभी कुछ टाइम पहले इनके फंड मैनेजर चेंज हुए थे, वहां से कुछ इन्होंने अपने जो इनका पैसे को इन्वेस्ट करने के कुछ तरीके हैं उनमें कुछ चेंजेस आए थे, तो आगे रिटर्न्स हमें अच्छे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि नए फंड मैनेजर इन्होंने अपॉइंट किए थे, तो उसके बाद कुछ चेंजेस हमें देखने को यहाँ पर जरूर मिलेंगे। चलिए देखिए इनके चेंज होने से थोड़ा सा इक्विटी में जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो भी थोड़ा बढ़ा है, पहले ये कम था, इन्होंने इक्विटी में पोर्शन अपना इन्वेस्टमेंट का और ज्यादा किया है, उससे रिटर्न्स हमें फ्यूचर में अच्छे भी देखने को मिल सकते हैं। देखिए रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, देखिए फंड को चलते हुए काफी टाइम हो गया है, फंड के 10 साल से भी पुराना ये फंड है अगर मैं बात करूं डायरेक्ट प्लान की, और देखिए अगर मैं लास्ट के 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर के रिटर्न की नहीं बात करूं, एक ओवरऑल रिटर्न की मैं बात करूं, ओवरऑल रिटर्न की वो हमें क्या देखने को मिला है पिछले 10 साल 1-2 महीना हुआ इस फंड को चलते हुए, उसमें हमें इस फंड ने बनाकर दिए हैं 25% के रिटर्न, 25% का ओवरऑल रिटर्न इस फंड ने जनरेट किया है, जो कि बहुत बढ़िया है। स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर 25% का रिटर्न कोई फंड निकाल रहा है तो वो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया फंड है। अब देखिए दोस्तों अगर आप एक्सिस स्मॉल कैप में एक SIP शुरू करते हैं, मान लीजिए ज्यादा नहीं आप 2,000 रुपये महीना की SIP कोई यहां पर शुरू करते हैं, केवल 2,000 रुपये महीना की। अब आ जाते हैं रिटर्न्स पर, देखिए रिटर्न्स इस फंड ने 25% के बनाकर दिए हैं, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं मानकर चलिए अगले 20 साल के लिए, तो क्या अगले 20 साल में भी हमें 25% के रिटर्न मिलेंगे? जी नहीं, इसकी कोई गारंटी म्यूचुअल फंड में नहीं है। देखिए मैं अपनी वीडियोस में सारी चीजें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं। देखिए कुछ लोग सीधा कैलकुलेशन करते हैं कि 25% का मिला है आगे भी 25 मिल जाएगा, लेकिन ये चीज आप मन में समझ लीजिए 25 की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट हो रहा है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, फ्लक्चुएशन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ये रिटर्न 25 से आपको 26 27 भी जा सकते हैं, लेकिन ये आपको 19 20 भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि रिटर्न्स की गारंटी यहां नहीं है। हालांकि पैसे अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट होगा, शेयर मार्केट हमारी बढ़ेगी, कंट्री हमारी ग्रो करेगी, तो पैसा बिल्कुल डेफिनेटली हमारा बढ़ेगा, लेकिन अगर आप गारंटी वाली बात कहेंगे तो नहीं मिलेगी आपको 25% की गारंटी नहीं होती, रिटर्न्स कम या ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। ये चीजें देखिए क्लियर होनी बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि हाँ रिटर्न्स की यार यहाँ गारंटी नहीं है, लेकिन अच्छे रिटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। चलिए अब रिटर्न्स यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर केवल 20% के रखूंगा, हालांकि 25 मिले हैं, लेकिन 5% में पहले ही घटाकर चलूंगा, एग्जांपल के लिए 20% के रिटर्न में यहाँ रख रहा हूं। ड्यूरेशन मैं यहां रख रहा हूं 20 ईयर्स की। अगर आप 20 ईयर्स तक इस SIP को चलाते हैं, टोटल पैसा आपका यहां पर कितना इन्वेस्ट होगा और फाइनली वैल्यू आपको क्या देखने को मिल सकती है वो समझने वाली बात है। देखिए दोस्तों इसके लिए SIP कैलकुलेटर पर डायरेक्टली अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं, अगर हम 2,000 रुपये महीना की SIP करते हैं तो फ्यूचर में अगर हमें 20% का रिटर्न मिलता है अगले 20 साल के लिए कितना पैसा हम यहां से जनरेट कर सकते हैं। 20% का रिटर्न मैं रख रहा हूं एग्जांपल के लिए और अगले 20 साल के लिए। देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 4 लाख
80,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट, और जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो मिलेगी 63 लाख 63.22 लाख, 63,22,000 की वैल्यू आपको देखने को मिल सकती है। और दोस्तों अगर आप ड्यूरेशन 25 साल कर दें तो यही वैल्यू, अगर आप 25 इयर्स कर दें तो यही वैल्यू 1.72 करोड़ भी देखने को मिल सकती है। जी हाँ, तो अगर आप लोग एक ऐसा एसआईपी शुरू करना चाहते हैं, स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप एक बार एक्सिस स्मॉल कैप फंड को भी देख सकते हैं। ये इसका एक ओवरव्यू मैंने फंड का दिया है, इसकी होल्डिंग्स आपको क्लियर करी है, इसका एक्सपेंस रेशियो क्लियर किया है, साथ ही साथ आपको बताया है कि कितना पैसा लोगों ने इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया भी हुआ है। और अगर आपको अच्छे रिटर्न्स फ्यूचर में मिलते हैं तो एक एग्जांपल भी मैंने एसआईपी का आपके सामने रखा है, आप जितना लॉन्ग टाइम इस एसआईपी को चलाएंगे बिल्कुल डेफिनेटली आपको अच्छे रिटर्न्स भी एसआईपी से देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये एक डिटेल वीडियो थी एक्सिस स्मॉल कैप फंड के ऊपर। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी देखिए दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क टॉलरेंस को आप जरूर देखें। और वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी आप जरूर कीजिएगा। बाकी कोई भी इन्वेस्टमेंट संबंधित आपका कोई भी कंफ्यूजन हो तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।